वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य श्रीमती रेखा अरोड़ा द्वारा पश्चिमी दिल्ली के पिकाटली होटल में रमल वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से अनेकों ज्योतिषाचार्यों ने रमल ज्योतिषी पद्धति के सुप्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य श्री अनुपम जोली जी से इस विद्या की बारीकियों को सीखा। हमारे चैनल ने भी रमल विद्या के निपुण ज्योतिषाचार्य श्री अनुपम जोली जी एवं ज्योतिषाचार्य रेखा अरोड़ा सहित अन्य ज्योतिषाचार्यों से बातचीत की। प्रस्तुत है हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज हम पिकाटली होटल में हैं, जहां एक रमल वर्कशॉप चल रही है। ज्योतिषाचार्य की बहुत खास पद्धति है रमल विद्या, और इसके ऊपर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही है। हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य शर्मन जी हमारे साथ हैं, शुभेश शर्मन जी। हम सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये रमल विद्या जो है वो किस तरीके से ज्योतिषाचार्य में महत्व रखती है, किस तरीके से इसके बारे में लोग अच्छे से समझ सकते हैं। नमस्कार शर्मन जी। शुभेश शर्मन मेरा नाम है, सर्व ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और पिछले 30 वर्षों से ज्योतिष के इस विज्ञान से जुड़ा हूँ। यही रमल जो आज वर्कशॉप की जा रही है ज्योतिषाचार्य की, जो बहुत ही खास पद्धति है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा रमल हमारे ज्योतिष में एक बहुत पुरातन विज्ञान के रूप में है, और पुरातन विज्ञान का अर्थ ये है कि 5,500 वर्ष पहले जब महाभारत काल में आपने शकुनी का नाम सुना, उस समय आप लोगों ने, और जो नवीन काल की बात करें तो फिर बीआर चोपड़ा जी ने महाभारत बनाया, उसमें प्रस्तुत किया कि भाई दूत कीड़ा क्या होती है, या पासा विज्ञान क्या है, या ये पासे क्या होते हैं। इसमें 8 पासे होते हैं जिसमें 1 से लेकर 4 तक की क्रम संख्या होती है, और वो विशिष्ट प्रकार के समय में वर्ष में एक दिन उसका निश्चित है, उस दिन उनका निर्माण होता है, और उसमें एक निश्चित शक्ल और निश्चित संख्या के आधार पर उसका निर्णय होता है। 1 से लेकर 16 तक उसकी शक्लें तय होती हैं, उसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि आपको क्या जीवन में प्रश्न है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि ये विज्ञान क्या है, तो भगवान शिव पार्वती ने जो है वो कीड़ा के माध्यम से खेल, एक बार वो बैठे हुए और ऐसे मनोरंजन की दृष्टि से कुछ खेल रहे थे चौरस को, तो वो चौपड़ खेल रहे थे, वही चौपड़ और आज के विज्ञान में हम इसे कह सकते हैं रमल कह सकते हैं। तो ये उस समय से भगवान शिव की दी हुई विद्या है, जिसके माध्यम से आप आपके अंदर छुपे हुए प्रश्नों के बारे में जान सकते हैं। प्रकृति में शकुन शास्त्र के माध्यम से भी इसको तय कर सकते हैं। इसमें शक्ल निकल करके आती है, जिसे हम संख्या के रूप में निर्धारित करते हैं, और वो निर्धारित करता है कि आपका प्रश्न क्या है और उत्तर क्या होगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई जो एस्ट्रोलॉजी को लेकर एक बनाया जाता है वो किस तरीके की? नहीं, इसमें कुंडली बनती है, उसका अलग सिद्धांत है। कुंडली का भी सिद्धांत ये है कि इसमें शक्ल बनती है, उसे हम शक्ल कहते हैं। शक्ल निकल करके आती है, जैसे बिंदु बिंदु हैं, फिर एक लाइन है, बिंदु बिंदु है लाइन, इस प्रकार से इसमें शक्लें बनती हैं। इम्तियाज है, नाम है उसके, उर्दू के और फारसी के नाम है उसमें, कई अलग अलग हैं। तो ये संख्या के रूप में आता है और नाम के रूप में एक शक्ल हमारे सामने आती है, जिससे हम निर्णय करते हैं कि ये इस शकुन का क्या अर्थ है, और फिर उसमें शकुन भी तय होता है कि इसका क्या अर्थ निकल करके आएगा। तो इसमें हम सब कुछ है तो ग्रहों के माध्यम से ही, जो कुछ संसार में घटित है वो ग्रहों के माध्यम से ही घटित है। ग्रह हमारे जीवन में, कोई कई बार प्रश्न होता है कि ग्रेविटी फोर्सेज हमें कैसे प्रभावित कर सकती हैं, तो पूर्णमासी और अमावस्या पर समुद्र में ज्वार भाटा पैदा होता है, और ज्वार भाटे के मूल में चंद्रमा होता है, चंद्रमा की जो ऊर्जा है उसी के कारण ज्वार भाटा पैदा होता है। तो ग्रेविटी सोर्सेज, अब आप देखिए कि मंगल वक्री हैं आजकल, तो इस समय दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, ये प्रकृति के संतुलन और असंतुलन के बीच में ग्रह हमारे मौजूद हैं। रमन विद्या एक प्राचीन भारतीय 5,500 वर्ष पुरानी विद्या है, जिसको आज आचार्य जी ने बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाया है, और ये विद्या से काफ़ी लोगों का भला भी हो सकता है, तुरंत क्वेश्चंस के आंसर निकल सकते हैं, काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लोगों को डेवलप हो सकते हैं, प्रोग्रेस हो सकता है, और आसान तरीके में कि बहुत कम समय में क्या करने से क्या फ़ायदा होगा, इस विद्या के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। इस विद्या में कुंडली का कोई महत्व नहीं रह जाता, तो किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है? रमल विद्या में भी अपने आप में कुंडलियों का, ग्रहों का अपना एक महत्व स्थान दिया गया है। जैसे
वैदिक संस्कृति और इसकी संस्कृति, उस वैदिक में 12 प्रकार के घर बने हुए हैं ग्रहों के, उसी तरीके से यहाँ पर भी 16 प्रकार के घर बने, तो 4 को डिवाइडेशन दिया हुआ है। प्लैनेट्स वही है, सिर्फ थोड़ा सा आधार स्तंभ बदल गया है, लेकिन भाषा वही है। आपको लगता है कि रमल प्रणाली जो है ज्योतिषाचार्य में, वो बहुत ही सक्सेस होने वाली है इस आगे के टाइम में? जी हाँ, आगे के समय में रमल ज्योतिषीय विद्या जो है उसका भी प्रचार प्रसार बहुत जल्दी तरीके से शुरू हो रहा है, और लोग इसको फॉलोअप लेंगे, फॉलोअप करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, और काफ़ी प्रसार भी होगा और इस विद्या का लाभ भी लोगों तक काफ़ी ज़्यादा पहुँचेगा। ज्योतिष और भविष्य जानने वाली जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो भारत में है, भारत से बाहर हैं, जितनी भी विधाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हम सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। रमल हालांकि बहुत प्राचीन विधाओं में से एक है, लेकिन इसको नए तरीके से आचार्य जी ने डिज़ाइन किया, इसके चार्ट्स को डिज़ाइन किया, पासों को नई टेक्निक से बहुत फाइन क्वालिटी के पासे बनाए, और जो बुक लिखी है रमल ज्ञान पे उन्होंने, उसमें सारा जो एजुकेशन, सारा जो नॉलेज था वो कंपाइल कर दिया। मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें रमल लगभग ना के बराबर आता था, आज की तारीख में सुबह से शाम की जो वर्कशॉप रही हमारी, शाम को मैं उस स्थिति में हूँ कि हम प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं, हम वो कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपके सभी प्रश्नों के सटीक जवाब आप तक पहुँचा सकें। एस्ट्रोलॉजर रेखा अरोड़ा जी ने इस बहुत ही अच्छी इसको ऑर्गेनाइज किया, इस पूरे इवेंट को, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने जहाँ पर हमें वो सब सीखने का, समझने का और वो सब चीज़ों को सामने लाने का मौका मिला जो सहज ही भारत के छोटे छोटे शहरों में है, विद्यमान है, लेकिन उनको अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। रेखा जी का और उनकी पूरी टीम का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, इस कार्यक्रम को आयोजित किया, और उम्मीद करती हूँ कि आगे से आगे ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। आप युवा ज्योतिषाचार्य हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की प्रणाली जिसमें कुंडली का कोई विशेष महत्व नहीं होता, और इस तरीके की प्रणाली वो किस तरीके से लोगों तक वो सिद्ध साबित होगी? दत्तात्रेय एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। दत्तात्रेय ने कभी कोई विशिष्ट गुरु नहीं बनाया, किसी विशेष शिक्षा पद्धति को नहीं अपनाया। मैं प्रकृति से संवाद को ज़्यादा मायने देती हूँ, प्रकृति अपने आप जवाब देती है। जब मैं और आप घर से निकलते हैं, क्यों कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, दूध उफन गया, ये सब चीज़ें ये सिम्बॉलिक हैं, हमें किसी माध्यम की कभी ज़रूरत ना थी ना है। ज्योतिष एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल, क्योंकि वो ज्योतिषीय गणित यानी कि एस्ट्रोनॉमी के जो प्लैनेट्स हैं उनकी कैलकुलेशंस और उनकी गणित पे निर्भर करती है, तो वो एक पूरा सब्जेक्ट है जो कंपाइल किया हुआ है हमारे लिए। जहाँ तक रमल की, टैरो की या दूसरी विधाओं की मैं बात आती हूँ, ये पैरेलल्स हैं। हालांकि मैं खुद भी ज्योतिष करती हूँ, फिर भी मैं अपने से मिलने वाले लोगों से यही कहती हूँ कि प्लीज़ इस पर डिपेंड ना हो, बेहतर है कि आप अपने रूह की आवाज़ को सुने, अच्छा है कि आप प्रकृति से डायरेक्ट संवाद करें, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट है, सम्माननीय है, और बहुत सटीक कैलकुलेशंस इनसे आती हैं, तो कई कठिनाइयाँ जो हैं हमारे आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं इनसे। मेरा मानना यह है कि सृष्टि पे अगर कोई सबसे पहले समाज जब विकसित हुआ होगा, तो सबसे पहले भविष्यवाणी या किसी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किसी भी विद्या का सृजन हुआ होगा, तो उसमें रमल प्रथम रही होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रह नक्षत्र तारों की कैलकुलेशन ना होकर भगवान भोले शंकर की ये विधि है, जिसके अंदर कुछ अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ज़मीन पर उंगली के द्वारा सिर्फ प्रश्न के अनुसार एक कुंडली बनाकर प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्न कुंडली कहते हैं, कि आपका स्पेसिफाइड प्रश्न और उसका स्पेसिफाइड आंसर। इसमें हाँ ये है कि हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जन्म कुंडली की तरह नहीं बता सकते, पर प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए जा सकते हैं। और ये व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह पर बैठ के, अगर आप हवाई जहाज में फ्लाई कर रहे हैं और पास में एक व्यक्ति को हेल्प करना चाहते हैं, किसी प्रकार की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से 5 से 10 मिनट के अंदर उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने बताया कि इसके अंदर कुंडली का कोई विशेष महत्व नहीं रहता, तो ये पद्धति कब शुरू हुई, किस कब ये सार्वजनिक हुई, और लोगों तक ये अभी तक क्यों नहीं इसका मैसेज सही तरीके से पहुंच पाया? आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, पर हकीकत यह है कि कुछ चीज़ें लुप्त हो गई, हमारी प्राचीन पद्धति थी। अगर आप जरा सा भी इतिहास में जाएंगे तो इसके बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे और बहुत सारे लोग करते भी मिलेंगे, पर समय के अनुसार ये समाप्त हो गई और वो धूमिल पड़ गई। इसको मैंने रिवाइव किया, ये पद्धति मेरी नहीं, भगवान शिव की उत्पन्न पद्धति है। इसमें एक छोटी सी कहानी आती है कि भगवान शिव और पार्वती खेल खेल में, पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी व्याकुल हो गए।
उस समय पे उनके मानस पुत्र भैरव ने जमीन पे चार बिंदु बनाकर उनसे भगवती को ढूंढने के लिए कहा। शिव जी आशा नहीं समझे, उन्होंने चार बिंदु और बनाए और उससे उन्होंने सप्तलोक में तारा सुंदरी के रूप में माँ भगवती को प्राप्त किया। कहते हैं वहीं से रमल की शुरुआत हो गई। तो रमल की शुरुआत हमारे यहाँ बहुत प्राचीन है। अगर आप सोचो कि किस सन में हुई होगी तो ये बहुत पॉसिबल नहीं है, पर प्राचीन काल से चलती आ रही है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। टीवी के अंदर आप सब ने कभी किसी ज़माने में चंद्रकांता सीरियल देखा होगा, हालांकि वो नॉवल था, पर उस चंद्रकांता सीरियल में भी एक रमल शास्त्री थे। वो रमल शास्त्री पासों के द्वारा अपने राजा को हर प्रश्न के उत्तर देते थे। अगर आपको ध्यान है तो उस कैरेक्टर का नाम शिवदत्त था, पंडित जगन्नाथ, और राजा का नाम शिवदत्त था। तो ये तो चलो कहानी की बात हुई, पर पास्ट के अंदर अगर हम देखें तो बीरबल भी रमल के पासों से प्रश्नों के उत्तर देता था। रमल गुलजार नाम का उसका ग्रंथ है। सिकंदर के पास भी एक रमल शास्त्री हुआ करते थे, रमल सुरखाव, जो कि ईरानी थे। तो इसका कहीं ना कहीं छाप ईरान में, भारत में, चाइना में, यूरोप में से जियोमेंसी कहते हैं, और उसमें भी गणित करीब करीब भारत जैसी ही होती है। तो विश्व के हर कोने में ये पाया जाता था। इसके ग्रंथ अवेलेबल हैं। अगर ग्रंथ नहीं होते तो हम कहते कि हाँ ये कुछ नई चीज़ ले आए आप। संस्कृत के ग्रंथ अवेलेबल हैं। एक आज जो मैंने विद्या पढ़ाई वो 1811 के अंदर परम सुख उपाध्याय का लिखा हुआ ग्रंथ था, ज्योतिष रमल नवरत्न। उसकी विधि को आज मैंने सबके सामने उजागर किया और सिखाया भी। आचार्य जी, आप इसमें रमल विद्या में बहुत ही निपुण हैं और आज आपने कई ज्योतिषाचार्यों को इस विधि से अवगत भी कराया है, तो आपको लगा है कि लोगों में, ज्योतिषाचार्यों में विशेषकर, ये जिज्ञासा है सीखने की और इसको अपनाने की और इस पे काम करने की? निश्चित रूप से। कई बार ज्योतिषियों के सामने एक क्वेश्चन आता है, कईयों का टाइम एक्यूरेट नहीं होता, कईयों के पास टाइम की कोई गणित नहीं होती, माँ बाप भूल चुके होते हैं, कहीं मेंशन नहीं होता। आजकल अगर आधुनिक युग की बात करें तो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और उनके शायद डिस्चार्ज स्लिप पे टाइमिंग्स होते हैं, पर कुछ एक पीढ़ी पहले तक थोड़ा बहुत सारे लोगों में टाइम नहीं मिलता था। तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं है उनके लिए कारगर है। तो ज्योतिषियों ने भी अगर सीखा है तो उनके जीवन में इसको, लाइफ में एक नई विद्या एडअप होगी, जिसमें अच्छा दूसरी बात यह है कि एक तो टाइम नहीं है तब भी हम इससे आंसर दे सकते हैं, दूसरी बात यह है कि कई बार कुछ चीज़ों का चुनाव नहीं कर सकते, जिसमें बाकी परंपरागत जो ज्योतिष है उसमें आंसर देना कठिन होता है। जैसे कि मुझे अगर दो कॉलेज में मेरा एडमिशन हो रहा है तो कौन सा कॉलेज मेरे लिए सही रहेगा, तो ऐसे में रमल बहुत अच्छे से उत्तर दे सकता है। आपके जो ऐसे प्रश्न, जैसे मान लीजिए अभी कोई मैच चल रहा है तो उस मैच में कौन जीतेगा, ऐसे जो प्रश्न है जो किसी कुंडली से आंसर नहीं मिल सकता, पर रमल के द्वारा बहुत ही आसानी से, बहुत कम समय में बड़ा ही शत प्रतिशत सा आंसर मिलता है। और बहुत ही, अगर इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जाए तो हम इसमें बहुत ही ज़्यादा चमत्कार दिखा सकते। मैं एक चीज़ कहूँगा कि आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है और वो टेक्नोलॉजी कई बार उसके मिसयूज़ होते हैं और वो नुकसान का भी कारण बनती है। संसार में कोई भी विद्या हो, हर एक के पॉजिटिव पक्ष है और नेगेटिव पक्ष है। परमाणु है वो हमें बिजली दे रहा है और परमाणु बम जो है वो हमारे लिए विध्वंसात्मक है, शक्ति परमाणु की है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम विद्या का क्रम रोक दें या उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। विद्या को तो फलना फूलना चाहिए, पर हाँ ये है कि उसका पॉजिटिव उपयोग ही विद्या का सही मायने में सही उपयोग है, पर हर मायने के नेगेटिव पक्ष हो सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता। रमल विद्या में कोई ऐसी भविष्यवाणी हुई हो कि जो सिद्ध हुई हो पीछे, या आने वाले समय में कोई ऐसी भविष्यवाणी किसी ज्योतिषाचार्य ने या विशेषज्ञों ने, किसी ने की हो या आपने कभी की हो? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कई बार हम देश काल की भी प्रेक्षण करते हैं, इसमें आने वाला साल कैसा जाएगा देश के लिए, बारिश होगी या नहीं होगी। मैंने अपनी पुस्तक में सब कुछ लिखा है, रमल ज्ञान मेरी एक पुस्तक है, उसमें इन सब के उदाहरण सहित दे रखा है। तो पास्ट में भी मैंने कई अच्छे प्रेडिक्शन किए हैं, खासकर क्रिकेट के किए हैं और मेरे छपे भी हैं, अखबारों में छपे हैं। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, जयपुर में एक मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और भारत का, और भास्कर पत्रिका ने मुझसे पूछा था और मैंने छपा भी था और उसके बाद बहुत तारीफ भी हुई थी। तो बिल्कुल रमल के पास्ट में मेरी भविष्यवाणियाँ छपती रही हैं और फ्यूचर में मैं ज़रूर करता रहूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से कोई ऐसी भविष्यवाणी आप आने वाले समय के लिए कह रहे हैं, देश के लिए, या कोई ऐसे सार्वजनिक चीज़ जो देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो? आप जहाँ तक सवाल है, बहुत स्पेसिफाइड मैंने चैनल के लिए अभी कुछ मेहनत तो नहीं की कि मैं कुछ नया निकालूं, पर हाँ पिछले दिनों प्रैक्टिस के दौरान हमने भारत के भविष्य को जांचा था, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा उथल पुथल है कि क्या होगा आगे। तो मुझे ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखा, आगे धीरे धीरे हमारा देश तरक्की की तरफ जा रहा है, रमल के हिसाब से बोल रहा हूँ, और पॉजिटिव ही आंसर आया था, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। भारत निरंतर विश्व शक्ति की तरफ अग्रसर हो रहा है, ये मेरी भविष्यवाणी है। नमस्कार लेखा जी। नमस्कार।
जी, मैंने जो आज ऑर्गेनाइज करी है यहाँ पर वर्कशॉप पिकेडली होटल में, ये जयपुर के बहुत ही फेमस रमल विशेषज्ञ मिस्टर अनुपम जौली जी थे जिन्होंने आज यहाँ पर वर्कशॉप कराई और लोगों में बहुत अच्छा ज्ञान दिया। लोग वो जो वर्कशॉप अटेंड करके किए वो जाते टाइम बिल्कुल 99% मतलब ये हैप्पी थे। उन लोगों को लगा कि आज उन लोगों ने कुछ नया सीखा। सबसे बड़ी बात है कि उनको पता ही नहीं था कि रमल जो विद्या है वो एक प्रश्न कुंडली है, इंस्टेंटली इसके अंदर आंसर आता है। और ये विद्या बहुत पुरानी है और बहुत से ज्योतिष शायद इसको नहीं जानते हैं, बट ये कि आज जिन लोगों ने भी सीखी उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है ये जो विद्या है ये महादेव के टाइम की है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। शायद मैं इतनी जल्दी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, बट ये है कि ये बहुत पुरानी पत्ती है, उससे बहुत लोग अनजान हैं, लेकिन आज जैसे वर्कशॉप करी तो लोगों को बहुत अच्छा लगा सीखकर भी। और क्योंकि साथ की साथ ही रेमेडीज आ गई, साथ की साथ ही आंसर आ गया, तो आजकल जो हमारे पास क्लाइंट भी आते हैं उनको भी ये लगता है कि हमने जो पूछा है उसका आंसर मिल जाए। हाँ जी, तो इस आयोजन में कहाँ कहाँ से ज्योतिषाचार्य देश के कौन से आए इसमें बारे में? हाँ, ये तो बहुत खुशी वाली बात आज मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी इस वर्कशॉप में मतलब इतनी दूर दूर से लोग आए हैं। आप ये सोचो कि सुबह की ट्रेन से पटना से, अम्बाला से, नागपुर से, हरियाणा से, बठिंडा से, और दो तीन लोग ऐसे हैं जो चंडीगढ़ से भी आए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। ज़्यादातर लोग दिल्ली के बाहर के थे और काफ़ी लोगों ने मिस कर दिया, बिकॉज उनके पास मेन ये था कि अगर ये संडे को होती तो वो ये वर्कशॉप कभी भी नहीं छोड़ते। तो वीकेंड में होता तो वो यही कहते हैं मैम जब नेक्स्ट टाइम करोगे हमें ज़रूर बुलाना। बहुत अच्छा लगा, डेली के बाहर से बहुत लोग थे। कुल मिला के यही कहेंगे कि रमल के विद्या के ऊपर जो वर्कशॉप रही बहुत ही सक्सेसफुल रही आपकी तरफ से। बहुत बहुत सक्सेसफुल रही। उसका शायद कारण ये है कि मैं बताना चाहूँगी, मेरे इंटरव्यू शायद ये वो लोग देखेंगे कि फेसबुक पे इतने लोग थे जिन लोगों ने मुझे ब्लेसिंग दी, इतने लोग थे। मैं चाहूँगी आप ये वीडियो दिखाएं उनको पता चले। आप मेरे फेसबुक पे देखो सिर्फ ब्लेसिंग 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 थी मेरी वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले। ये उन्हीं की ब्लेसिंग है, थैंक यू सो मच कि मेरी वर्कशॉप इतनी अच्छी हुई और सब कुछ 101% मेरे को लग रहा है कि रिजल्ट मेरे को मिले। I'm so happy.